साथ जबरदस्ती छेड़खानी करते दो लड़के हुए गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर लालगंज कोतवाली के तिलाव चौकी के अंतर्गत ग्राम पिपरहा में एक महिला जो अपना नाम नीलम देवी बता रही है, जो झाड़ फूक कराने सहजी गई थी, वहां से वापस आते समय दोबहा देवघाट के जंगल में दो लड़के जिनका नाम धनंजय मौर्य व नीरज कुमार ग्राम हलिया के रहने वाले हैं, वह लोग उसको अकेले पाकर जबरंगाड़ी मर बैठाने लगे, लेकिन वह नहीं बैठी। तभी लोग उसके साथ छेड़खानी करने लगे और जंगल की तरफ घसीटने लगे और उसके शरीर पर दांतों के निशान और कपड़े भी फटे दिखते हैं। तभी वहां पर मौके से पहुंचे शंभू प्रसाद दुबे का कहना है कि हम अपने आँख से देखे कि दोनों लड़के उसे घसीट रहे थे और वह बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। तभी वहां पर कुछ लोग पहुंचकर उस लड़की को बचाया और लड़के को पकड़कर 112 नंबर के हवाले किया। लड़कों का कहना है कि हमारी भैंस गायब हो गई है, हम लोग उसे खोजने पर यहाँ पे आए थे। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए ब्यूरो चीफ रमेश कुमार की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? नीलम देवी। नीलम देवी, क्या समस्या है? बड़ी भीड़ है। धोबा देवघोटा। ये क्या समस्या है आपके साथ? काफी लोग जुटे हैं। हम झरा के आए थे और ये लोग मिले हमसे। कहाँ झरा? सहजी गए। तुम्हारा घर कहाँ पड़ेगा? हमारा घर वहाँ पिपरहा में आपका घर है। हाँ। और झराने कहाँ गई थी? अरे क्या झराने गई थी आप? खोदते हैं तो खून टाइप। वहाँ से आप वापस आ रही थी? तो ये लोग कहाँ मिले? ये लोग हमके मतलब हमारे नजर में वहाँ मोड़ पे आए। वहाँ से हम आगे थोड़ा सा मतलब इन्हें ब्रेक खोद उन्हें वहाँ से आए। आए कि मतलब कहा फैन चलो बैठो हमारे गाड़ी पे, चलो तुमको पहुँचा दें। आपका कि नहीं, हम नहीं जाएंगे आपके पास। अच्छा बताइए, आप इन लोगों को जानती हो? नहीं, हम इन लोगों कोई को नहीं जानते। आप नहीं जानती? हाँ, तो ये कहे कि चलिए बैठिए, तुमको छोड़ दे घाम में, क्यों रेंग रही हो, धूप लग रहा है। हम कहे हम नहीं बैठे। आपका पीछा करते करते यहाँ तक? हाँ, हमारे पीछा यहाँ करते करते आए तो एक जो नए है ये बोला कि अरे यार माल मस्त है, पकड़िए इसको। इतने में हम कहे तुम्हारे लोग माँ बहन नहीं है गवा कहीं के? धनंजय हमारा नाम भी आप जानती हैं? हाँ, आप ही ना बताए थे का हम धीरज। हाँ, वो बताया था कि धीरज। हाँ, धीरज धनंजय दो लोग मिलकर पकड़े आपको। हाँ, देखने में यानी आपके साथ गलत करने का। हाँ, कोशिश किया, दांते होते काटा हमको, पकड़ा बिलाव सब काट दिया। हाँ, ये लोग सब काट दिए, दांते सब काटे हैं। कुलकंती, ये देखिए दांत का कमी लगा हो सकता है सर जी, आप देखिए ये दांत काटे। चले बच्चा तो चलिए, ये दांत का कटा हो सकता है। जब ये लोग कहाँ पकड़े आपको? हमको यहीं पे पकड़े, यहीं पे हम गाली दिए इसको कि तुम्हारे पास माँ बहन नहीं है। इतने में आपका नैहर कहाँ है? हमारा नैहर है वहाँ धुरिया। धुरिया? हाँ, देवघटा पांडे। अच्छा, देवघटा पांडे धुरिया है और यहाँ ससुराल है आपका। आपके पति का क्या नाम है? राम प्रकाश। हम यहाँ पे लोग बाज रहे थे, हमको मतलब एक हमारा हाथ पकड़ा है, एक हमारे गले वाले पे मतलब एकदम दांते काट रहा है और हम घिघिया रहे हैं। इसके बाद हम उधर से गाड़ी आई और मतलब एकदम बाज के इसके छोड़ दिए। गाड़ी घूम के आई और इसका चाबी मतलब अपना ले लिया और वो घिघियाने लगे, रोने लगे थे। जब गाड़ी आ गई, क्या करे तुम लोग, ये कह रहे हम कुछ नहीं करे, कुछ अनार कर रहे। कितने लोग थे? ये दोनों दो थे। दो लोग थे? हाँ। तो आपको घसीट के जंगल तक लेकर गए थे या तो फिर मतलब घसीट रहे थे तभी जंगल? घसीट, हाँ, जंगल तक घसीट रहे थे, कुतरिया घसीटिए था मतलब क्या लगे। एक आदमी पकड़ा कहीं जंगल में, कहीं इसको ले चलो जंगल में। तुम इतना काहे उतावला हो? आपका क्या नाम है? क्या तुम नहीं बोलिए? हमारा नाम धनंजय मौर्य है, हमारे बड़े पापा के लड़के कहाँ के रहने वाले हो? हलिया के। यहाँ क्या करने आए थे? यहाँ हमारी भैंस दो दिन से खूंटे पर से चोरी हो गई है, हमने हलिया थाने में FIR भी दिए है। वही हम लोग खोजने आए हैं। तो यहाँ भैंस ढूंढने आए थे? भैंस ढूंढने आए थे। महिला कह रही है कि आप पकड़ के घसीट रहे हैं। सर मेरी बात तो सुनिए सर, ऐसा है कि ये लोग एक लोग जो भाग गए उनसे हमारा 325 चल रहा है। कौन भाग गया? भाग गए इन लोगों से पूछिए, अमरनाथ नाम था। अगर 325 चल रहा था तो इनसे क्या मतलब? हम बता रहे हैं ना सर, उनका इनका गलत सब प्लान है। कहाँ का है? हलिया का ही है। उनकी भैंस को वही है? नहीं, भैंस हमारी कोई है। इत्तेफाक से आप ये सोचिए सर कि हमारे दुश्मन और जहाँ हम मरा रहे हैं वहीं कैसे आ गए, आप यही सोच लीजिए तो आप पकड़ ले गए। मतलब आपका कहना है कि फंसाया गया है हमको? जैसे आप लोग बता रहे हैं कि आप बाजरे से लोग देख नहीं नहीं सर, सब प्लान बना हुआ है, फंसाए हैं ना। अच्छा ये बताइए, वो लेडीज कह रही हैं कि ये हमारे साथ छेड़खानी की है, यही समझ लीजिए कि ये बोल रहे हैं छेड़खानी की है कि नहीं की है, झलवा के लौटे हैं। आप बताइए कि कोई झलवाने जाएगा, एक नेब्बू लेकर जाएगा, वो लौटी है नेब्बू अपने साथ में लिए, बताइए कैसे झलवा के लौटे हैं आप, यही अंदाजा लगा। लेकिन वो बता रही है कि आप घसीट रहे थे, सब प्लान बना है सर ना।
कुछ और व्यक्ति से पूछा गया हम लोग बाज रहे थे सर, हम बता रहे हैं ना सब उनके साथ में ही आए थे, उन लोगों का प्लान बना, वो लोग देखे भाग भी गए, उनकी मोबाइल लिए थे, उनके मोबाइल सर्वेलाइन के जरिए से हम लोगों से पूछ रहे हैं आपको देखा गया सर? कुछ नहीं, हम लोग कुछ भी एक भी नहीं बाजे हैं, हमारी गाड़ी रोके बोली कि थोड़ा सा छोड़ दीजिए, हम धरवा के आए भैया थक गए। तुम बैठाए हो? नहीं बैठाए भी नहीं, बस खड़ी थी तो हम कहे चलिए अच्छा छोड़ देते हैं, इतने में दो आदमी आए नहीं नहीं किसी को नहीं, आप चौराहे पर जांच करते मतलब तुमने इनको बैठाने के लिए कहा? हाँ कहें कि हमें छोड़ दीजिए, तो बैठाने के बाद गाड़ी पे क्यों बैठाया? बैठा ही नहीं अभी, कुछ बैठा नहीं, तब क्यों बोल रहे हो कि हमने गाड़ी पे इनको बैठाया? नहीं बैठाने के लिए बोले सर, और उसके बाद ये लोग ये दो आदमी आए उधर बैठाने के लिए, कौन बोला? आप बोले ये बोली? ये बोली हमको भैया छोड़ दीजिए हम थक गए। अभी तो बोल रहे हैं कि आप लोग जबरदस्ती बैठाने के लिए कह रहे थे, आप बता रहे हैं ना? बताइए बैठाने के लिए कहाँ कही थी? आप उनको जानती हैं जहाँ गाड़ी खड़ी थी? नहीं नहीं यहाँ पे हम चौराहे हम क्या जाने, हाँ हाँ मौके पर यहीं पर बोली के बैठाइए। ये बता रहे हैं कि अभी इनके साथ घटना जो हुई कि ये महिला इनको कह रही थी बैठा के लिए, महिला कह रही कि हमको ये लोग जबरदस्ती घसी थी, क्या मतलब है? खुद ही कहीं बैठा लिए। आपका चमकार कहाँ है भैया? बात है हमारा 31 तारीख को शाम को भैंस दोठो गायब हो गई थी, फायर भी दिए, फायर भी दिए, आपका भी दोठो इनका भी दोठो, हमारे है ना भाई है, तो क्या हुआ कि फायर भी दिए हम लोग भाई, आप लोग सगे भाई हो, बाबा के पास वो बोले के 16 किलोमीटर कौन बाबा है? कौन बाबा कौन मतलब वो लगाए थे, वो नंबर है घर पे। अरे बाबा क्या नाम बताओ ना, जिस बाबा कौन बाबा थे कैसे बतिया रहे? अरे वो बोले थे ना, उसका नाम नहीं याद है। कौन बाबा? बाबा भाई जैसे कोई नंबर दिया, बोला कि ये लोग बताते हैं तो भैया 16 किलोमीटर। अंकल जी आपका क्या नाम है? हमारा नाम है शंभु प्रसाद दुबे। शंभु प्रसाद दुबे, ये जो घटना हो रहा था क्या आप मौके पे थे? हाँ, कि गाड़ी लेके उधर से आ रहे थे, पूर्व साइड से इधर आ रहे थे पश्चिम साइड। आपका घर कहाँ पड़ेगा? हमारा घर है उसरी पांडे, यहाँ धोबा दोगुटा में भी है। अच्छा ये बताइए अंकल जी कि आप किस तरह से देखे इन लोगों को? हम देखे कि ये लड़की जो है दोनों से लड़ी हुई है और अपना बचाव कर रही है, और ये लोग जबरन घसीट रहे थे जंगल साइड में। हाँ घसीट रहे थे, इसके बाद हम जो है आप इधर देखो उसकी दिक्कत है, आप इधर देखो। हाँ हम जो है तुरंत जो है अपनी गाड़ी को खड़ी किए, तब तक हमारे पीछे एक लड़का और आ गया। जी 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 लड़का आ गया, बस हो गया, इसके बाद हम तब तक वो अमरनाथ आ गया। जी जी उसे कहे भाई यार तुम वीडियो बना लो इसका। जी जी वीडियो बना कर आप मौके पे घसीटते हुए देखे हैं? हाँ हम तो दूर से देखे हैं भाई, हम अपनी गाड़ी चला रहे थे, ये गाड़ी चला रहे थे, इसी गाड़ी से हम देखे हैं कि घसीटा, हमने कहा यार देखो ये क्या हो रहा है घसीटा सर। उसके बयान में ऐसा कुछ है कि घसीटे हैं? जानकारी देने के लिए धन्यवाद।